हूँ। आज मैं मैंगो डेजर्ट बनाना सिखा रही हूँ आपको। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अभी मैं आपको बताती हूँ, ये मैंगो है और ये मैंगो मैंने छील के रख दिए हैं क्यूब्स बना के, और ये बिस्किट है, चीनी हमने पीस लिया है, और ये कस्टर्ड बना रहे हैं इसके लिए हमने ये, और दूध रखा है। अभी मैं तो ये डेजर्ट मेरी अपनी रेसिपी है, मैंने कहीं से शेयर नहीं किया है, और आप भी बनाइएगा, बहुत मज़ेदार बनेगा, बहुत जल्दी झटपट तैयार हो जाता है। दूध को हमने थोड़ा सा उबाला देंगे, हमारा दूध बॉयल हो रहा है, और हम ये बिस्किट ऐसे लगा देंगे एक एक करके। ये कस्टर्ड पाउडर है, बारी बारी हम डालेंगे, पहले मैंने एक टीस्पून डाला है, अभी थोड़ा सा और डालेंगे। जब ये गाढ़ा हो जाएगा फिर हम बस कर देंगे। देखिए गाढ़ा होने लग गया है, चीनी हमने पीस के रखी है 2 टेबलस्पून, थोड़ा सा और डाल देंगे। और जब ये ठंडा हो जाएगा हम इसमें थोड़ा सा मैंगो और ऐड करेंगे, ठंडा होने के लिए हम छोड़ देंगे। अब कैरेमल हमने चीनी को ब्राउन करके हमने बना लिया था, और ये भी हम थोड़ा सा ऐड करेंगे इसमें, काट के रखे थे ये हम इसमें कर लेंगे। सिर्फ मैंगो करेंगे और कुछ भी नहीं, इसमें दूध पानी कुछ भी नहीं डालेंगे, इसको हम शेक कर लेंगे अच्छी तरह। ये हमने मैंगो को शेक कर लिया खाली मैंगो, उसमें चीनी बिल्कुल नहीं डालना, और ये क्रीम हम इसमें डाल देंगे, और इसको हमें अच्छी तरह बीट कर लेंगे। ये अच्छी तरह इसका बीट करेंगे अच्छी तरह, और हमने इसमें 4 चम्मच चीनी भी डाल दी है। ये हमने क्रीम अच्छी तरह फेंट ली है, और ये कस्टर्ड जो हमने बनाया था इसमें हम ठंडा करने के बाद हम इसमें डाल देंगे बिस्किट के ऊपर। ये क्रीम, ये ऊपर डाल देंगे। मैंगो में चीनी बिल्कुल नहीं डालिएगा, सिर्फ क्रीम में डालिएगा चीनी, क्योंकि बिस्किट भी बहुत मीठे होते हैं। ये थोड़ा सा हमने काट के रखे थे चॉप किए हुए मैंगो, थोड़ा थोड़ा ऊपर डाल देंगे। कैरेमल मैंने वो भी डाल दिया थोड़ा सा ब्राउन शुगर, फिर इसकी डायरेक्ट डालेंगे। कांटे से हम यूं थोड़ा सा इसको हिला देंगे, और ये हमारा मैंगो डेजर्ट तैयार है। और आप चाहे तो इसके ऊपर भी मैंगो डाल सकते हैं। और ये हमारा मैंगो डेजर्ट तैयार है, और उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगी मेरी वीडियो, और लाइक जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, और मेरी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।